आगे बढ़ेंगे। वजीर हाउसिंग पंजाब मियाँ महमूद रशीद के बेटे के खिलाफ मुकदमे का मामला, मुकदमा दर्ज करवाने वाले तीनों अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि अहम केस की समाअत हुई और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। वजीर हाउसिंग पंजाब मियाँ महमूद रशीद के बेटे के खिलाफ मुकदमे का मामला, इसी हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा दुआ मिर्जा से। दुआ मिर्जा, बताइएगा ये क्या मामला है? हाउसिंग पंजाब मियां महमूद रशीद के बेटे के खिलाफ मुकदमे का ये मामला है। मुकदमा दर्ज करवाने वाले तीनों अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एएसपी गुलबर्ग की तफ्तीश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि मुकदमा इंस्पेक्टर रेहान जमाल की मदयत में दर्ज हुआ और 155 सी और 382 की दिफात भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अहलकार नदीम इकबाल, उस्मान मुश्ताक और उस्मान सईद ड्यूटी के दौरान जोड़ों से रकम छीनते और फुटेज बनाते रहे। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुल्जिमान वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करते रहे, रकम लेते रहे और तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जबकि मुल्जिमान ने अली मुस्तफा और फिजा जमील से 2000 रुपए भी छीने थे। मतन में यह भी लिखा गया है कि मुल्जिमान ने वारदात के बाद जोड़े को एटीएम से 50,000 रुपए निकलवाने का भी कहा। मियां महमूद रशीद के बेटे डॉक्टर हसन के खिलाफ मुकदमा 2 अक्टूबर को थाना गालिब मार्केट में दर्ज हुआ था, जिस पर इससे कबल सूबाई वजीर के बेटे समेत 5 अफराद के खिलाफ उन्हीं अहलकारों की मुदय्यत में भी मुकदमा दर्ज किया गया था। सूबाई वजीर के बेटे के खिलाफ मुकदमे के मुदई तीनों अहलकारों को मुअत्तल भी कर दिया गया था, जबकि अहलकारों ने अफसरान पर पर्चा खारिज के लिए दबाव का इल्जाम भी आयद किया था। जी सही, अहलकारों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया दुआ मिर्जा, आपने अपडेट किया।